हेलो दोस्तों, आइए इस वर्ड का सही उच्चारण, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग और इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस वर्ड को पढ़ते हैं हम, एब्स्ट्रस 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 का इंग्लिश में मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड, एब्स्क्योर, डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड या एब्स्क्योर। चलिए इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं। हिंदी में मीनिंग होता है अव्यक्त, गूढ़, दुर्बोध, दुर्गम, गहन, सूक्ष्म, अति गूढ़। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी एब्स्ट्रस। Einstein's theory of relativity is very abstruse. Einstein का सापेक्षता का सिद्धांत बहुत ही गूढ़ है या समझना बहुत ही मुश्किल है। Difficult to comprehend का मतलब है समझना मुश्किल या बहुत ही difficult होना। तो इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।